कौन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक युवक ने फेसबुक पर महिला पार्षद और पूर्व सांसद और मंदिर पुजारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। महिला पार्षद अपने पति के साथ थाने जाकर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। युवक ने सोशल मीडिया पर महिला पार्षद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसे लेकर बवाल मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। खरगोन शहर के वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद गायत्री और उनके पति सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पुजारी हरीश गोस्वामी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा, भारत भावसार ने सोशल मीडिया पर महादेव मंदिर के पुजारी हरीश गोस्वामी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। यही नहीं, वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद और उनकी पत्नी गायत्री गोस्वामी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आरोपी भावसार ने भाजपा के पूर्व सांसद सुभाष पटेल और महिला पार्षद को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसे लेकर लोगों में रोष है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। भाई साहब, कल से श्रावण चालू हो रहा, तो हम सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी है। मेरे पति मंदिर को सफाई कर रहे थे और मंदिर धो रहे थे, उसको लेके एक हमारे मोहल्ले की भारत भावसार ने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, जो कि जिसमें बहुत अपशब्द लिखे हैं और मंदिर से मंदिर की भी तोहिन होती है। और इसके पूर्व में भी इसने किसी की पोस्ट पे मेरे बारे में गलत कमेंट्स लिखे थे, कुछ गलत टिप्पणी लिखी थी। जी भाई साहब, अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको सजा मिले और आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करे। आज से श्रावण चालू हो रहा है और हम सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पुजारी हूँ, और वहाँ की जो श्रावण चालू होने के पहले वहाँ एक महीने विशेष कार्यक्रम चलते हैं, इसको लेके हम सफाई साफ सफाई कर रहे थे और पानी से मंदिर को धो रहे थे। तो ये भारत भावसार नाम का शख्स है, इसने इसकी फोटो करके और हमारे मेरे बारे में गलत अपशब्द लिखे जो निंदनीय है, और ये पूरा फेसबुक पे डाला जो विश्व में पूरे जाता है और हमारी छवि को धूमिल करता है ये चीज़ें, और भविष्य में भी ये मेरी मिसेस को लेकर अब शब्दों की फेसबुक पे डालता रहा है और टिप्पणी करता रहा है और छेड़छाड़ी की प्रक्रिया करता रहा है ये हमेशा। तो पूर्व में भी डाला है? पूर्व में भी डाल चुका है ये सर। क्या किस प्रकार की टिप्पणी करी थी इसने? इसने पूर्व सांसद को लेकर, मेरी मिसेस पार्षद है उनके लेके अब शब्दों का प्रयोग किया था और गलत आरोप लगाए थे इसने। तो अब आपने क्या कर रहे हैं थाने? अब हम थाने पे जाके यही साहब को दे रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आईटी एक्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये अभी वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद महोदया अपने पति के साथ आई हैं और इनके पति ने एक आवेदन दिया है। पति हरीश गोस्वामी जी ने बताया कि उनको कोई क्या नाम है, भावसार जी हैं, वो इनको भद्दी टिप्पणी किए हैं और फेसबुक पर भी कुछ गलत कमेंट डाले हैं, जिसकी हम लोगों द्वारा जाँच की जा रही है। अरे, एक आरोप भी लगाया है कि वो पार्षद जो है उनके बारे में भी अनसर्ट महिला पार्षद है और उनके बारे में गलत टिप्पणी की जाती है। उनको लिखित शिकायत की है उन्होंने, जिसकी जांच की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद आरोप साबित होगा तो आईटी एक्ट में कार्रवाई होगी, किसी जो भी सामने आएगा फेसबुक विवेचना के तहत वो कार्रवाई की जाएगी।